रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड. क्लियर है? दीज आर दी कंट्री सराउंडिंग बाल्टिक सी. आर हो गया रशिया, डी हो गया डेनमार्क, जर्मनी सेल से एस क्या हो गया स्वीडन, ई हो जाएगा एस्टोनिया, एल हो जाएगा लातविया, दूसरा एल हो जाएगा लिथुआनिया, एंड देन वी हैव पोलैंड एंड फिनलैंड. रिमेंबर एवरीवन, बोलोगे जोर से, बोलो जोर से, रूड रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड. ठीक है, आर यू से क्या हो जाएगा, डी से फिर जर्मनी, फिर एस से फिर ई से एस्टोनिया, एल से दूसरे एल से लिथुआनिया, लिथुआनिया एल आई टी एच यू एन आई ए लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड. ठीक है जी, ब्लैक सी का याद रखना, ब्लैक सी का कोड है गुरबट. ब्लैक सी का क्या कोड है? गुरबट. जी स्टैंड फॉर जॉर्जिया. ठीक है, जी स्टैंड फॉर जॉर्जिया. यू स्टैंड फॉर यूक्रेन. यू स्टैंड फॉर यूक्रेन. आर स्टैंड फॉर रशिया. सेकेंड आर स्टैंड फॉर रोमानिया. रोमानिया आर ओ एम ए एन आई. बी यू स्टैंड फॉर बल्गेरिया. बल्गेरिया. एंड टी स्टैंड फॉर, बोलो पितुबन, टर्की. ठीक है, टर्की. यहाँ पे गुरबट याद रहेगा भाई, ट्रस्ट मी, ये तीन चीज को ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में ये हेल्प करे, कहीं ना कहीं आएगा ये. इफ यू रिमेंबर दीज थ्री कोड्स इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम में. बाल्टिक सी का है रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ब्लैक सी का है गुरबट. एक बार बोलोगे गुरबट, इसमें जी क्या है जॉर्जिया, यू क्या है आर क्या है दूसरा आर क्या है बी यू क्या है एन टी क्या है. ठीक है ऑलराइट, बढ़िया. लेट्स कम बैक एंड लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन एंड द इम्पोर्टेंट फॉना. तो IUCN comes up with this list, red data list, सबको पता होगा red data list. इस list में there are how many categories? Nine categories. जैसे मैंने discuss किया था अभी, उसमें as you know that there are certain divisions. If you see, पहला हो गया मेरा extinct. Extinct मतलब खत्म, कहीं नहीं है, ना wild में है ना captured में. एक्सटिंग मतलब गायब ही हो गया पूरा. फिर नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसका क्या मतलब है, मतलब जू में अभी भी है. ठीक है, इन दी प्रिजर्वेटिव या प्रोटेक्शन एरियाज, इन सीटू प्रोटेक्शन एरियाज, वहाँ पे अभी भी है, जैसे कि जू हो गया, बोटानिकल गार्डन्स हो गया, वहाँ पे मिलेगा. देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. Then endangered, then vulnerable, then near threatened, ठीक है, then least concern. उसके बाद है फिर data insufficient होता है, data not available, वो सब चीज़ें not required. These are the important categories. इसमें स्पेसिफिकली दोज एनिमल्स या स्पीशीज विच आर एक्सटिंक्ट, बेयर दैट इन माइंड, ये बहुत लिमिटेड होता है, दे वेरी
लिमिटेड. दोज एनिमल्स हुआ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड. टूडे वी विल टॉक अबाउट द स्पीसीज विच आर वॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड. किसकी बात करेंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड. एक बार क्रिटिकली इंडेंजर्ड पता लग जाए तो देन यू विल बी एबल टू एलिमिनेट इन द एग्जामिनेशन. अगर वो स्पीसी इंडेंजर्ड में दिया जा रहा है तो गलत हो जाएगा. अगर वो स्पीसी इंडेंजर्ड वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड में दिया जा रहा है वो भी गलत हो जाएगा. अंडरस्टूड? यू रिमेंबर दिस वन लिस्ट, यू कैन यूज दिस वन लिस्ट टू एलिमिनेट द ऑप्शंस ऑफ एंडेंजर्ड. अंडरस्टूड? क्या बोल रहा हूँ मैं सब लोगों को? हम लोग अभी देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड का लिस्ट करते हैं, फिर समझ में आएगा और क्लियर है, क्लैरिटी आ जाएगी. पहला राइट डाउन द मैमल्स. मैमल्स कौन होते हैं? दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना, मैमल्स. ओके, अब मैमल्स के लिए कोड लिखो. पहले कोड लिखो, मैं मित्रों के साथ. यू रिमेंबर दैट फेज, मित्रों? दिस वॉज देयर. मित्रों, मैं मित्रों के साथ मॉल में गया. कहाँ गया? मॉल में. क्या कर रहा था? हैंग आउट कर रहा था. क्या कर रहा था? हैंग आउट कर रहा था. एक और देखा, जब हम लोग हैंग आउट कर रहे थे तो एक कॉर्नर में एक लार्ज रॉक पड़ा, पत्थर सा पड़ा हुआ, ठीक है, एक लार्ज रॉक पड़ा हुआ था. और उसके अंदर, इट वॉज स्ट्रेंज, पत्थर के अंदर, कैसे पत्थर के अंदर से स्क्विरल की आवाज आ रही. किसकी आवाज आ रही थी? स्क्विरल की आवाज आई. स्क्विरल की आवाज आई. मैं मित्रों के साथ मॉल में क्या कर रहा था? हैंग आउट कर रहा था. और लास्ट एक कोने में देखा मैंने लार्ज रॉक रखा हुआ है. मुझे लगा कि ये लार्ज रॉक पत्थर है, मतलब उसके अंदर, लेकिन क्या आया? स्क्विरल की आवाज आई. बोलो एक बार जोर से बोलो, मैं मित्रों के साथ मॉल में हैंग आउट कर रहा था. एक लार्ज रॉक के अंदर से किसकी आवाज आई? स्क्विरल की आवाज. देखते हैं क्या क्या है इसमें. मित्रों से ध्यान रखना, इट इज दी मलाबार सिविट. मित्रों से क्या रखोगे? मलाबार सिविट. देन मित्रों के साथ मॉल में, मॉल से याद रखोगे, सॉरी मॉल से या मलाबार सिविट, मॉल से मलाबार सिविट याद रखना. एंड मित्रों से है सुमत्रन राइनोसोरस. थोड़ा राइमिंग है ना, मित्रों सुमत्रन. मित्रों से याद रखोगे क्या? सुमत्रन राइनोसोरस. मॉल से क्या याद रखोगे? मलाबार सिविट. ओके, हैंगआउट से याद रखोगे हंगुल डियर. कौन सा डियर? हंगुल डियर. हैंगआउट से रिमेंबर हंगुल डियर. एक लार्ज रॉक से क्या रखोगे? लार्ज रॉक रैट. और इसको बोलते हैं एल्वीरा रैट. क्या बोलते हैं? एल्वीरा रैट. लार्ज रॉक रैट और एल्वीरा रैट, ठीक है. अंदर से ध्यान रखना अंडमान. अंदर से क्या रखोगे? अंडमान स्पाइनी श्रीव, ठीक है. अंडमान स्पाइनी श्रीव एज वेल एज अंडमान व्हाइट टूथेड श्रीव. श्रीव मतलब एक तरह से स्क्विरल टाइप का होता है, छोटा सा होता है, ठीक है. व्हाइट टू द श्रीव एज वेल एज निकोबार व्हाइट टेल्ड
व्हाइट टेल्ड श्रीव। ये अंदमान निकोबार के श्रीव है ना, ये सब क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अंदमान स्पाइनी श्रीव, अंदमान व्हाइट टूथेड श्रीव एंड निकोबार व्हाइट टेल्ड श्रीव। निकोबार व्हाइट टेल्ड श्रीव, क्लियर है? याद रख, स्क्विरल से याद रखना, स्क्विरल से याद रखना, फ्लाइंग स्क्विरल। स्क्विरल से क्या याद रखोगे? फ्लाइंग स्क्विरल और नामधापा स्क्विरल। नामधापा कहाँ पे है? नामधापा स्क्विरल, ठीक है। स्क्विरल से क्या याद रखोगे? फ्लाइंग स्क्विरल और नामधापा स्क्विरल, ठीक है जी। तो आपके जितने भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स हैं, अप टू डेट लिस्ट जो है वो मैंने बता दी है। इफ़ यू फाइंड एनी अदर एनिमल विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो आप उसको ऐड ऑन करोगे। क्या करोगे? ऐड ऑन करोगे। दिस इज द अप टू डेट लिस्ट। लेकिन अगर आपको इंटरनेट पे या फिर किसी व्हाट यू से मैगजीन में, करंट अफेयर्स के मैगजीन में यू फाइंड एनी अदर मैमल, तो इसी में ऐड करोगे, ठीक है। मेक दिस एज द मास्टर लिस्ट, ये मास्टर लिस्ट बनाओ अपनी, क्लियर है यहाँ तक? लिखो बर्ड्स का कोड, जादूगर, हीरो। जादूगर तो हीरो ही होता है ना, ही डज मैजिक और सब लोग किया है, क्या हीरो है? जादूगर, हीरो, ग्रेट हिमालयन ब्रिज। कहाँ चला गया वो? ग्रेट हिमालय, हिमालय पहुंच गया। ग्रेट हिमालयन में पाइप बजा रहा था, क्या बजा रहा था? पाइप बजा रहा था। एंड इट वाज सो व्हाट यू से सुरीला। उस पाइप को सुन के लड़की वन आई, लड़की पिंक फ्लोरल ड्रेस पहनी। कौन सी ड्रेस पहनी? पिंक फ्लोरल ड्रेस पहनी विथ वल्चर विंग्स। और उस ड्रेस में क्या बने हुए थे? वल्चर वाले विंग्स बने, नहीं उस लड़की के ऊपर ही वल्चर विंग्स थे, उड़ के आ गए, ठीक है, विद वल्चर विंग्स। और उसकी ड्रेस इतनी बड़ी थी, इतनी लंबी थी कि वो क्या कर रही थी? पोछा कर रही थी। ड्रेस वॉज एक्चुअली डूइंग पोछा, पोछा लगाते हुए क्रेन, पोछा लगाते हुए क्रेन से बगान में, क्रेन से बगान में एंटर की। इसको थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करना ही पड़ेगा। जादूगर किसको बनाए? टॉय को बनाते हैं, ठीक है। तो टॉय जादूगर जो है अपने हीरो हैं, ठीक है। तो वो हीरो कहाँ बजा रहे थे? ग्रेट हिमालयन में। क्या बजा रहे थे? पाइप बजा रहे थे। अब लड़की कौन आएगी? डीना मैम को बताते हैं, ठीक है। तो डीना मैम थोड़ी सी हाइट में अच्छी है, तो लड़की पिंक फ्लोरल ड्रेस में, मैम ने एकदम इलाबरेट पिंक फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ है एंड वल्चर विंग्स लगाते हुए, ठीक है, पोछा लगाते हुए कहाँ जा रही है? अब पोछा लगाते हुए भी मतलब अब इतना भारी ड्रेस होगा तो ऑब्वियसली वो क्या चाहिएगा? क्रेन चाहिएगा ना इतना हिमालय चढ़ने के लिए, क्या चाहिएगा? क्रेन चाहिएगा हिमालय चढ़ने के लिए। और कहाँ पहुँची ये? बगान पे पहुँची, जहाँ पे हमारे तोए साहब क्या बजा रहे थे? पाइप, ठीक है, अंडरस्टूड। क्या क्या है इसमें देखते हैं। जादूगर से ध्यान रखना, इट्स द जेडॉन्स कर्सर, जेडॉन्स कर्सर, JERDON, जेडॉन्स कर्सर, ठीक है। जादूगर से क्या रखोगे? जेडॉन कर्सर। हीरो से याद रखना, हीरो से क्या याद रखोगे? हीरो से इट विल बी, एक मिनट, चलो हीरो के ऊपर स्किप करते हैं। ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन से, ग्रेट हिमालयन से हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट हिमालयन से याद रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, BUSTARD, ऑलराइट।
पाइप से ध्यान रखना, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, पाइप से क्या रखोगे, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ऑल राइट। देन नेक्स्ट क्या रखोगे, लड़की से, लड़की पिंक फ्लॉरल ड्रेस में आएगी राइट, पिंक से, पिंक से ध्यान रखना, इट इज दी पिंक सोशलेबल फ्लैग पिंक, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, ठीक है, पिंक से क्या रखोगे, पिंक हेडेड डक। फ्लोरल से ध्यान रखना बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन। वल्चर विंग से ध्यान रखोगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वल्चर्स जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसमें वी हैव इंडियन वल्चर, इंडियन वल्चर, देन वी हैव रेड हेडेड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, देन वी हैव स्लेंडर बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, ठीक है, स्लेंडर बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड वाइट बैक्ड वल्चर, वाइट बैक्ड वल्चर, चार टाइप के वल्चर, ठीक है, इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, एस एल ई एन डी आर बी आई डबल ई डी, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड वाइट बैक वल्चर, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट लगाना पोछा, पोछा से ध्यान रखना, इट इज दी बेयर्स पोछा बर्ड, बेयर्स पोछा बर्ड, ठीक है, बी ए ई आर बेयर्स पोछा बर्ड, बेयर्स पोछा बर्ड लगाते हुए क्रेन, क्रेन से आपको पता ही होगा कौन सा होगा, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन। क्रेन बगान से ध्यान रखना, बगान से हो जाएगा बुगुन रियो चिचला, बुगुन लियो चिचला, भुगुन लियो चिचला, बगान से भुगुन लियो चिचला, अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद वी आर लेफ्ट विद टू मोर एंट्रीज, देखो ब्लू थ्रोटेड, ब्लू थ्रोटेड मकाओ, ब्लू थ्रोटेड मकाओ, और दूसरा लिखो फिलिपीन, फिलिपीन ईगल, फिलिपीन ईगल, बहुत बड़ा होता है फिलिपीन ईगल। देखो वी आर डन विद बेयर्स पोचार्ड, है ना, वी आर डन विद साइबेरियन क्रेन, वी आर डन विद स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, है ना, वी आर डन विद वाइट बेलीड हेरॉन, व्हाइट बेलीड हेरॉन नहीं हुआ ना, व्हाइट बेलीड हेरॉन लिखो। वल्चर विंग्स है ना, विंग्स से आपको व्हाइट बेलीड हेरॉन ध्यान रखना है, या हीरो से, हीरो से, हीरो से, अंडरस्टूड, व्हाइट बेलीड हेरॉन, व्हाइट बेलीड हेरॉन, ऑल राइट, ठीक है, व्हाइट बेलीड हेरॉन हो गया, उसके बाद बंगाल फ्लोरिकन हो गया, बंगाल फ्लोरिकन हो गया राइट, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हो गया, देन जेडॉन्स कर्सर हो गया, देन सोशलेबल लैपफिन, सोशलेबल लैपफिन नहीं हुआ राइट, तो सोशलेबल लैपफिन लिखो, सोशलेबल लैपफिन, लैपफिन, सोशलेबल, सोशिएबल,
सोशियबल लैपरिंग लैपिंग, ठीक है, सोशियबल लैपिंग लिखा. नेक्स्ट देखो, इंडियन वल्चर हो गया, रेड हेडेड वल्चर हो गया, स्प्लेंडर बिल्ड वल्चर हो गया एंड वाइट बैक वल्चर हो गया. देन उसके बाद वी हैव हिमालयन क्वेल. ग्रेट से देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और हिमालयन से क्या जाएगा, हिमालयन क्वेल. हिमालयन क्वेल ग्रेट से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वेरस हिमालयन से क्या आ जाएगा, हिमालयन क्वेल. देन वी हैव पिंक हेडेड डक. पिंक हेडेड डक लिखा है, यस जी. देन बुगुन लियो चिचिला लिखा है, यस. देन ब्लू थ्रोटेड मकाउ लिखा है, यस. एंड फिलीपीन ईगल, राइट. तो अब क्लियर हो गया. थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं सो और क्लियरिटी आ जाए. कोड क्या था, जादूगर हीरो ग्रेट हिमालयन में पाइप बजा रहा था, लड़की पिंक फ्लोरल ड्रेस में वल्चर विंग्स के साथ पोछा लगाते हुए क्रेन से बगान में एंटर किया, ठीक है. वापस बोलो एक बार, जादूगर हीरो ग्रेट हिमालयन में पाइप बजा रहा था, इतना सुरीला था कि लड़की पिंक फ्लोरल ड्रेस में वल्चर विंग्स लगा के पोछा लगाते हुए क्रेन से बगान में एंटर की, ठीक है. एक दो बार और पढ़ना पड़ेगा, ट्रस्ट मी. एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी. बहुत बड़ा लिस्ट है, आपने सब याद कर लिया. जादूगर से क्या हो जाएगा, जेडॉन्स कर्सर. हीरो से क्या हो जाएगा, वाइट बेलीड हीरो, वाइट बेलीड हीरो, ठीक है. ग्रेट से क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. हिमालयन से क्या हो जाएगा, हिमालयन क्वेल. पाइप से क्या हो जाएगा, स्पून बिल्ड सैंड पाइप. स्पून बिल्ड सैंड पाइप, ठीक है. बजा रहा था लड़की सोशलेबल लैपिंग, ठीक है. फिर पिंक से क्या हो जाएगा, पिंक हेडेड डक. फ्लोरल से क्या हो जाएगा, बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है. वल्चर से क्या हो जाएगा, इंडियन वल्चर, रेड हेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड वाइट बैक वल्चर, ठीक है. विंग से क्या हो जाएगा, सोशलेबल लैपिंग, ठीक है. विंग से क्या रखोगे, सोशलेबल लैपिंग, ठीक है. पोछा से क्या रखोगे, पोछा से आ जाएगा बेयर्स पोछा, ठीक है, बेयर्स पोछा. देन क्रेन से क्या रखोगे, साइबेरियन क्रेन. बगान से क्या रखोगे, बुगुन लियो चिचला. ये कहाँ पे है, अरुणाचल में, ध्यान रखना. स्पेसिफिकली ये बर्ड थोड़ा सा न्यूज में था, बुगुन लियो चिचला, रिमेंबर, अरुणाचल में. देन एंटर की, तो वहां से आपका और बाकी जो दो रह जाता है वो क्या है, ब्लू थ्रोटेड मकाउ एंड फिलीपीन ईगल. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस क्लू I could solve the red throated. जो throated वाला जो question आया था bird का, वो question इससे solve कर पाया था because of this clue. तो इसीलिए सारे birds का नाम एक बार ध्यान होना चाहिए, ठीक, कहीं ना कहीं help करेगा आपको. ये list तो बहुत important है. These are all what? Critically endangered. ठीक है, इस list को करना ही है, इस list को याद ही करना है. The critically endangered reptiles. छिपकली से किस किस को प्यार है, किसी को तो अच्छे लगते होंगे. अच्छा, इसका कोड लिखो. घर वालों ने बोला, घर वालों ने बोला, क्या बोला, रूफ पे तेरा पिन कैसे निकालेंगे. रूफ पे जो तेरा पिन फंस गया है उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. रूफ पे तेरा पिन जो है जो फंस गया है उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. घर वालों ने बोला क्या, हाँ, रूफ पे तेरा पिन कैसे निकालेंगे. ये तो याद हुई, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. घर वालों से क्या होगा, घड़ियाल. घड़ियाल के बाद याद रखना, घड़ियाल इज फाउंड इन दी चंबल. कौन से रिवर, चंबल. ओके, मैं बोला हॉ. हॉ से क्या हो जाएगा, हॉक्स बिल टर्टल. हॉक्स बिल टर्टल, हॉक्स बिल टर्टल,
क्लियर है। रूफ से क्या आ जाएगा, रूफ से आ जाएगा बंगाल रूफ्ड, बंगाल रूफ टर्टल, और बंगाल रूफ टर्टल और रेड क्राउंड रूफ टर्टल, ये दोनों एक ही चीज है, रेड क्राउन रूफ टर्टल, बोथ आर द सेम, बंगाल रूफ टर्टल और रेड क्राउन रूफ टर्टल। टेरापिन, टेरापिन से क्या रखोगे, इट इज द रिवर टेरापिन, रिवर टेरापिन, टी डबल आर ए पी एन, टेरापिन, रिवर टेरापिन और फोर टोड रिवर टेरापिन, एक ही चीज है, रिवर टेरापिन या फोर टोड टेरापिन एक ही चीज है, ठीक है। एंड वी आर डन, तो दीज आर दी फोर, व्हाट डू यू से, रेप्टाइल्स हु आर देयर इन व्हाट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी, याद रहेगा सबको, सिंपल है। तो घर वाले ने बोला हाँ रूफ पे टेरापिन कैसे निकालेंगे, घर वालों से हो गया घरियाल, ऑक्स से क्या हो जाएगा, ऑक्सबिल टर्टल, रूफ से क्या हो जाएगा बंगाल रूफ टर्टल, एंड टेरापिन से क्या हो जाएगा रिवर टेरापिन और फोर टोड रिवर, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट राइट डाउन अबाउट, इसका कोड नहीं है बट राइट डाउन अबाउट द फिशेस व्हिच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिशेस एंड कोरल्स, कोरल्स जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फिशेस के लिए लिखो पांडिचेरी शार्क, पांडिचेरी शार्क एंड गैंजेस शार्क, गैंजेस गैंजेस, ठीक है, गैंजेस जी एन जी एन जी एस, गैंजेस शार्क, पांडिचेरी शार्क एंड गैंजेस शार्क। नेक्स्ट लिखो सॉफिश, सॉफिश इसमें दो टाइप के हैं, लार्ज टूथेड, इसकी दांतें बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज टूथ एंड लॉन्ग कॉम्ब, जो कॉम्ब की तरह लंबे होते हैं, ठीक है, लॉन्ग कॉम्ब, दो टाइप के सॉफिश हैं, लार्ज टूथ वाले एंड लॉन्ग कॉम्ब वाले, लॉन्ग कॉम्ब एंड लार्ज टूथ, ये दोनों ही क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। और दीज आर द फिशेस, फिशेस के बाद कोरल्स की अगर मैं बात करूं तो फायर कोरल्स, फायर कोरल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल्स विच आर क्रिटिकल एंडेंजर्ड, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, फायर कोरल्स, ठीक है जी। And there are few animals जिनका status अभी recently change हुआ है, there are few animals जिनका status change हुआ है, जैसे कि pygmy hawk, इसका status जो है it has been changed from critically endangered to endangered, इसलिए important हो जाता है। pygmy hawk जो है ये असम में मिलता है, कहाँ मिलता है, असम में मिलता है, मानस नेशनल पार्क के आसपास, pygmy hawk, and it has its status has been changed from critically endangered to endangered. Then dusra likho, it is the kondana rat, kondana rat, iska status change hua hai from critically endangered to endangered, theek hai, iska status bhi critically endangered se endangered hua hai. Then aata hai forest owlet, forest owlet, ullu, pasand hai kisi ko ullu, From critically endangered to endangered, forest owlet भी change हो गया, okay. Next लिखो Cispera the gecko, Cispera the gecko, it's a reptile, Cispera the gecko, gecko, इसका change हुआ है, amphibian है, amphibian है, इसका चेंज हुआ है फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू नियर थ्रेटेंड, सॉरी नियर थ्रेटेंड, मतलब पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है इसकी, सिस्पेरा डे गेको की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। देन देयर आर टू मोर, वन इज योर लेदर बैक टर्टल,
लेदर बैक टर्टल, इसका हुआ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड से वल्नरेबल, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड से वल्नरेबल, लेदर बैक टर्टल क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल, एंड लास्टली नाइफ टूथेड सॉफिश, नाइफ टूथेड सॉफिश, इट हैज चेंज्ड फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू एंडेंजर्ड, नाइफ टूथेड सॉफिश, ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड हो गया, एंड देन वी आर डन विद आवर मेजर क्रिटिकली एंडेंजर्ड